नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। रात रात भर बिजली गायब रहने से उपभोक्ता परेशान, लालटेन युग की शुरुआत। नाकोटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रात रात भर बिजली गायब रहने से उपभोक्ता परेशान। बिजली पर 100% निर्भर रहने वाले लोगों के समक्ष बिजली आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है। नाकोटी बिजली विभाग के कनीय अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि नाकोटी पावर ग्रिड की बिजली खपत 4 मेगावाट है। मंझोल पावर सब स्टेशन से मात्र 1 या 1.5 मेगावाट बिजली आपूर्ति किया जाता है। इसके कारण क्षेत्र में बिजली सप्लाई में अनियमितता बनी हुई है। नाकोटी पावर ग्रिड में 5 फीडर है, नाकोटी, समसा, बेगमपुर, पीर नगर और हसनपुर बागर। जानकारी के अनुसार सिर्फ समसा फीडर को चलाने के लिए 1.5 मेगावाट बिजली चाहिए। समसा फीडर को चालू रखने पर अन्य सभी 4 फीडर को बंद रखना पड़ता है। क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बताया कि मंझोल सब स्टेशन से बिजली सप्लाई में नाकोटी पावर ग्रिड के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि 33 kVA के डबल लाइन होने के बावजूद मात्र 1.5 kV बिजली मिलना आश्चर्य की बात है। बकरी और मंझोल दोनों जगह से यदि 1.5 kVA बिजली उपलब्ध हो जाए तो किसी तरह क्षेत्र में बिजली सप्लाई में हो रहे अनियमितता को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग तले अंधेरा वाली मुहावरा का पर्याय बन गया है। बिजली विभाग एक और बिहार सरकार यह घोषणा कर रही है कि बिहार बिजली उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि बिजली बेचने की स्थिति में आ गई है। दूसरी ओर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे ही बिजली गायब हो गई, जो पुनः शनिवार को सुबह 6:30 बजे आई। शनिवार को भी रात्रि भर और रविवार दिन भर बिजली की आंख मिचौली जारी रही। इससे सरकारी घोषणा की पोल खुल रही है। बेगूसराय में NTPC की नई यूनिट बिजली उत्पादन कर रही है। इससे होने वाले जलवायु, मिट्टी एवं पर्यावरण प्रदूषण की मार झेलते हुए क्षेत्र के लोग उनके अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर बिजली की अनियमित आपूर्ति का दंश भी क्षेत्रीय लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। इस ओर भीषण गर्मी तो दूसरी ओर घंटों बिजली बंद उपभोक्ताओं का जीना दुश्वार कर दिया है। बिजली कम मिलने के चलते सप्लाई में हो रहे अनियमितता के कारण उपभोक्ताओं का आक्रोश स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। बिजली ऑपरेटर शुभम कुमार, आदित्य कुमार, सुबोध कुमार और ललित कुमार इत्यादि ने बताया कि ड्यूटी के दौरान क्षेत्र से गाली भी सुनने को मिलता है। बिजली अनियमितता से क्षेत्र के उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। नाकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।